तो चले भाई लोग, आपको मैं ये बताता चलूं कि आज तो मैं बहुत जलील हुआ हूँ। एक बजे आया हूँ, 7 घंटे मैं बाहर ही ठंड में बैठा रहा, काफ़ी देर बैठा रहा। अभी तो ये ट्रेन स्टेशन है ना, नेल्सन स्टेशन कहता है इसे, यहाँ पे अमेरिका का एम्बेसी भी है। तो मैं जलील होता रहा, ख्वार होता रहा। मैंने एक होटल में घुमा फिरा हूँ हॉस्टल में कि मुझे रूम चाहिए, पैसे जितने लोग कोई भी नहीं दे रहा था। लेकिन एवेंचुअली इंटरव्यू करीब आया, इंटरव्यू दिया मैंने, और अल्लाह के फजल करम से आपके भाई का इंटरव्यू अप्रूव हो गया है, ग्रांट हो चुका है वीज़ा। और अभी तो अमेरिका जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं भी लेटर ऑन मैं चला जाऊँ। तो यही बताना था कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। थैंक यू गाइस। हाँ, तो मैं अब जा रहा हूँ लंदन आई। देखिए, जो भी है यहाँ में यूके में है, जो भी है, जो बंदा भी है और वो अपना वीज़ा मतलब कामयाब करना चाह रहा है, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि आप, मैंने इस चीज़ पे फोकस करना है, वो है मेरी फ्लुएंसी और बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज की फ्लुएंसी मतलब अड़कना, हेजिटेट नहीं करना, गलत बोलो सिचुएशन नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर ऐसा फील होता है कि ये कोई झूठ बोल रहा है। झूठ तो सब बोलते हैं, लेकिन ये है कि ऐसा झूठ बोलो कि सच दिखने लगे। तो मैंने बस पर्पस इंग्लिश बोली है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टाइम गुजारा है, थोड़ी वो सीखी है, पाकिस्तान से भी सीख के आया था। तो यही मेरा सजेशन है कि आप यहीं से कोई चीज़ बोलते रहें, पहले बोलते गलत बोले, कोई आपको बोलेगा कि ये गलत है, रफ्ता रफ्ता वही आप सेंटेंस वही एक एक करके जुमला सीखते रहें। यही तरीका है, एक एक जुमला सीखते रहें, आप लोग सही सीख जाएंगे। अगर इस टेंस और पास्ट टेंस और इस पे चले गए आप, ये पास्ट टेंस है, ये वो है, ये टेंस है, वो है, दिस इज, और वर्ड मीनिंग पे चले गए, और मतलब ये पे चले गए कि ये एप्पल सेब को कहते हैं, तो आप गए। क्योंकि हमारे बच्चे इस तरह, वो बच्चे जैसे ज़ुबान सीखते हैं इसी तरह सीखना है आपने, तो जैसे हमारे दिमाग। अच्छा, ये देखिए ट्रेन स्टेशन नहीं, बस स्टेशन है। ये बाहर की बिल्डिंग्स है, ये वही नाइन एलम्स जिसे कहते हैं, ये इलाका है 9 एलम्स, SW-11। यहीं इसके पीछे US एम्बेसी थी। मैं गया हूँ, मैं हेजिटेट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं लाइफ में काफ़ी चीज़ें देख चुका हूँ। तो ये हाँ, तो हेलो गाइस, ये रहा आपका वो क्या बोलते हैं, लंदन आई। हाँ, लंदन आई बोला करते हैं इसे। ये देख लें, ये रहा आपका लंदन आई। मेरे तो कोई शौक ही नहीं है, लेकिन आज वैसे ही बस मैंने कहा टाइम है, दिन ज़ाया क्यों करें, इसी रास्ते से मेरा आना हुआ, तो बस मैंने कहा चले बना दें। ये रहा लंदन आए और ये रहा आपका इब्राहिम आए। बस खुश रहे यार, अब क्या कर सकते हैं, मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका है, तो उसमें काफ़ी खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। खुशी इस बात की नहीं है कि मैं खुश हूँ, खुशी इस बात की है कि वालिदैन ने पैसे लगाए, वो खुश हो जाए, मैं उनकी खुशी के लिए खुश हूँ। अच्छा, ये वो जो है ब्रिज है, वो काफ़ी मशहूर ब्रिज है, और ये आपका लंदन आया। चले ऊपर देख के देखते हैं। चले, मैंने सोचा आप लोगों ने से नीचे से देख लिया होगा, ऊपर से दिखा दूँ। बरा ना हो लाने ना होगा तो लग बरा नहीं मुगो रहे दादे, बरा ना दादे देता वही पेडिस्टन वॉक दागा, पेडिस्टन ला रहा था खोला ट्रेन उन्होंने रहा, और बस पता मजो रहा ठीका खड़ा रो रहा, वो जरूर कानों ना रहा ठीका था, तो पखात हो पत्नी को माने वड़की वड़की पुलू ना ठीक खड़ा, तो पति मजो रहा ठीकड़ी। हाँ, ये वो लंदन आए दा देता वही लंदन आए दादे कश्ती दी हम दाया सरूर। ये रहा आपका भाई पीर इब्राहिम, ये रहा आपका लंदन आई, ये रहा आपका पेडिस्टन वॉक वाला जगह। बस आज कोई ज़्यादा मेला शेला नहीं है, पता नहीं क्या हो जा सकती है, आज मेला शेला नहीं है, आज शायद मैं अकेला ही हूँ, थोड़े लोग आए मेरे साथ। मुझे भी काफ़ी अरसा बाद मुश्किल से टाइम मिला है यहाँ आने का, हम यहाँ मजदूर है भाई,